हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर। क्या होता है राउंडिंग ऑफ नंबर? देखिए, हमारी डेली रूटीन लाइफ में ना बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं राउंडिंग ऑफ का। देखिए, कई बार हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है तो हम क्या बताते हैं, लगभग। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं और आपसे पूछा है कितने क्या लोग थे, तो हम क्या कहते हैं, लगभग 100 के आसपास, है ना। यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बिल्कुल नियरेस्ट जो होता है, जैसे लगभग 100। अब क्या है ना, जो 100 उसने बताया कि लगभग 100 के आसपास, या तो जो लोग है वो 100 से थोड़ा बहुत ऊपर होंगे या उससे कम होंगे, उन्होंने एक एस्टीमेट बता दिया। तो इस एस्टीमेट को ही हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर करना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि राउंडिंग ऑफ नंबर क्या है और क्यों करते हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे अब हम वो सीखेंगे। सो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। देखिए, हमारा आएगा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और 10 लाख तक हमारी फिफ्थ क्लास में जो है नंबर्स चले जाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, ओके। पहला क्वेश्चन है कि हमें 68 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो देखिए, 68 जो है वो किसके बिल्कुल नजदीक है, ये हम देखेंगे। वो है हमारा 70 के पास में, तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या आ जाएगा, 70। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल इसके पास में था 68-70 की, तो हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया कि ये 70 के अप्रोक्स होगा। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि डिफिकल्ट टू फाइंड, कि हम किसके अप्रोक्स करें, तब हम कैसे करेंगे ये हमें देखना होगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 542, ये किसके करीब होगा, 540 के, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 900 आपका 30, ठीक है। नियरेस्ट 10, हमें 10th नंबर को देखेंगे पीछे, ठीक है। नियरेस्ट 10 है ना हमारा, तो हम 10 नंबर को देखेंगे, 27 ये 30 के पास में है, तो हम इसको 30 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 70 के पास में, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए हमारे पास काफी बड़ा नंबर है और नियरेस्ट 10 तो इजी है, मान लीजिए हमें 100 के नियरेस्ट करना, तब हम कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब मान लीजिए 582 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5928। अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, है ना। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कहां पर हमें राउंड ऑफ करना है। जैसे राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो हम पहले 100 प्लेस को चेक करेंगे। हमारा 100 प्लेस पे क्या नंबर है, 5, है ना। 100 प्लेस में हमारा कौन सा नंबर है, 5। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमारा 100 प्लेस पे है 5। ध्यान रखिएगा, हम पिछला नंबर चेक करेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर, पीछे वाला नंबर, इसके पीछे वाला जो नंबर है ये हमारा 8 है। अगर हमारा यहाँ पे जो भी नंबर है वो 5 और मोर देन 5 है, तो हम नेक्स्ट नंबर में प्लस 1 कर देंगे, ओके। और बाकी सारे नंबर्स जो है वो जीरो में जो है चेंज हो जाते हैं। आया समझ में आपको, क्या स्टेप मैंने बताया, जिस भी प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है हम उसका पिछला नंबर चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो 5 और 5 से ज्यादा है तो प्लस 1 कर देंगे, इन केस वो 5 से कम है तो हम उस नंबर को ऐसे छोड़ देंगे और बाकी नंबर को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा ये नंबर तो हो गया 600। अभी ये वाला देखते हैं, 100 प्लेस पे हमारा है 9, तो हम क्या करेंगे, पिछला नंबर चेक करेंगे, राइट, ठीक है। 100 प्लेस पे हमारा 9 है, हम पिछला नंबर चेक करेंगे, दैट इज लेस देन 5, ये हमारा 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 5, 9 एसेज लिखेंगे और बाकी पीछे के सारे नंबर्स को जीरो में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर देखिए, हमें 8 को कन्वर्ट करना है, पीछे का जो नंबर है लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे और पीछे जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। देखिए, अभी हमें 10,000, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि 10,000 वाला प्लेस, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 3 को हमें यहां पे इस प्लेस को जो है राउंड ऑफ करना है, इस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो पिछले डिजिट चेक करेंगे वो 5 से ज्यादा है, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 1 और बाकी सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 30,000। एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजिली देखकर बता सकते हैं। जैसे 6 तक 6 10 10,000 प्लेस पे, तो यहां तक हमें करना है, ये मोर देन 7 है, तो 3 तो आपका एस्टीज आएगा, 6 में प्लस 1 हो जाएगा और बाकी सारे नंबर जो आपके जीरो में कन्वर्ट
हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका 47 तो एस्टीज रहेगा, यहाँ पे ये 2+1 हो जाएगा और बाकी सारे जो है आपके जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से नियरेस्ट लैक, तो आप लैक प्लेस चेक करेंगे यानी कि 8, हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, पिछला नंबर हम चेक करेंगे जो कि मोर देन 5 है, तो हमारा 8 में क्या हो जाएगा 1+, तो 3, 9 और बाकी सारे नंबर्स आपके जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 38,64,707 आपका 39 लाख के नियरेस्ट है। इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो हमारा 3 है, आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा नंबर 3 है उसका पिछला नंबर चेक करेंगे मोर देन 5, तो जो हमारा 3 उसमें 4 हो जाएगा और बाकी आपके सारे नंबर्स जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बाकी दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि इनका आंसर। बाकी दो क्वेश्चंस भी है, हमें इनको 10 लाख तक जो है राउंड ऑफ करना है, तो 10 लाख हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख और 10 लाख। पिछला नंबर देखिए क्या है आपका, 5 से कम है तो ये जीरो तो आएगा ही इधर। ठीक है, क्योंकि हम प्लस 1 तो कर नहीं रहे और बाकी सारे आपके जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये 5 करोड़ के नियरेस्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्या आंसर आएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।